हाउ टू फिक्स वीवो प्ले स्टोर नॉट ओपनिंग प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा वीवो के फ़ोन पे यदि आपका प्ले स्टोर जो है वो ओपन नहीं हो पा रहा है, कैसे करके आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है। कभी कभी दोस्तों होता क्या है, हमारा जो प्ले स्टोर है वो चलते चलते अचानक बंद हो जाते हैं, उसके बाद ओपन करने में दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, प्ले स्टोर आपको जो है प्रॉब्लम्स वगैरह दे रहा है, काम नहीं कर रहा है, ओपन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा कुछ भी है तो इस वीडियो को आप अंत तक देख सकते हैं, सॉल्यूशन को फॉलो कर सकते हैं और प्रॉब्लम को फिक्स करवा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सारे साथ दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलते रहे। और दोस्तों, यदि आपको ऑनलाइन से पैसा कमाना है तो उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जो है लिंक दे रखा है, आप जाके एक बार चेकआउट जरूर करें। यदि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स इश्यू है तो आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होगा, मैं आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन ही बता देता हूँ, उसको कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम, ठीक है। बस आपको जाना है सेटिंग के अंदर पे, स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों एप्लीकेशन एंड परमिशन का जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद ऐप मैनेजर पर जाइए, ठीक है। ऐप मैनेजर ओपन होने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर, गूगल प्ले सर्विस, क्योंकि दोस्तों ये दोनों एक साथ ही कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर यहाँ पे है दोस्तों दोनों एप्लीकेशंस, ठीक है। तो पहले हम प्ले स्टोर में जाते हैं, फोर स्टॉप कर देते हैं। फोर स्टॉप करने के बाद ओके आपको करना है ताकि एप्लीकेशन आपका स्टॉप हो जाए। इंटरनल स्टोरेज पर जाइए, क्लियर डेटा पे क्लिक कीजिए। क्लियर डेटा पे क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है, उसके बाद दोस्तों सिंपली बैक कर लीजिए। अभी दोस्तों आपका जो परमिशन से वो ऑफ हो चुका होगा, परमिशन पर जाइए और सभी परमिशंस को अलाउ करते जाइए, ठीक है। सभी परमिशन को अलाउ करते जाइए। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपको जाना है गूगल प्ले सर्विस में, इसको भी कर देना है फोर स्टॉप और ओके कीजिए। और उसके बाद जाइए इंटरनल स्टोरेज पर, क्लियर डेटा पर क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है दोबारा से, क्लियर ऑल डेटा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप ओके पर क्लिक करोगे आपका परमिशन दोबारा से ऑफ होगा। परमिशन को जाके वन बाय वन इनेबल करें, बहुत सारे परमिशन से सबको इनेबल करना होगा, ठीक है। सबको इनेबल करने के बाद दोस्तों आप बैक कीजिए, मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए, उसके बाद दोस्तों प्ले स्टोर में जाके देखिए, प्रॉब्लम आपका फिक्स हो चुका होगा, ठीक है। तो बस दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन जो है वो आपके लिए है, इससे आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, प्ले स्टोर का इशू आपका इसी से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर बहुत ही मेन है, मोबाइल सॉफ्टवेयर को भी अपडेट जरूर करें। तो आज की इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही, इसी से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, प्ले स्टोर आपका ओपन हो जाएगा और प्ले स्टोर को हो सके तो आप अपडेट जरूर करें, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जाके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।